भारतीय इतिहास के नायकों में महात्मा गांधी ऐसे महानायक रहे हैं जिनके किरदार को सबसे ज्यादा सेल्यूलाइट पर उतारा गया है। कई फिल्मों में गांधी मुख्य और महत्वपूर्ण किरदार रहे हैं तो कई फिल्मों में उनकी खास मौजूदगी रही है। यही नहीं, एक दर्जन से ज्यादा अभिनेता पर्दे पर गांधी के किरदार को निभा चुके हैं, जिनमें कुछ ने काफी लोकप्रियता भी बटोरी। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ चुनिंदा अभिनेताओं के बारे में जिन्हें गांधी की भूमिका के लिए काफी सराहना मिली। गांधी की भूमिका निभाने वाले अभिनेताओं में एक नाम अभिजीत दत्ता का भी है। फिल्म गांधी टू हिटलर में उन्होंने गांधी की भूमिका निभाई है। यह फिल्म मुख्य रूप से गांधी और हिटलर के बीच पत्रों के जरिए हुए वैचारिक संवाद पर आधारित थी। पर्दे पर गांधी की भूमिका निभाने वालों में अन्नू कपूर का नाम भी उल्लेखनीय है। ये मत भूलो कि ग्रुपिंग के सिद्धांत को मान लेने का मतलब होगा कि एक तरह से पाकिस्तान को मान लेना। सरदार वल्लभ भाई पटेल पर बनी फिल्म सरदार में उन्होंने गांधी का रोल निभाया था। फिल्मों में गांधी की यादगार भूमिका निभाने वालों में दर्शन जरीवाला का भी नाम उल्लेखनीय है। गांधी माय फादर में उन्होंने महात्मा गांधी के चरित्र को पर्दे पर साकार किया। महात्मा गांधी और उनके पुत्र हरिलाल के संबंधों पर बनी इस फिल्म में दर्शन जरीवाला ने गांधी की भूमिका को बहुत ही संजीदगी से निभाया था। महात्मा गांधी का रोल निभाने की ख्वाहिश बेहतरीन अभिनेता नसीरुद्दीन शाह को वर्षों से थी। रिचर्ड एटनवर की गांधी में उनकी ख्वाहिश पूरी होते होते तब रह गई जब बेन किंग्सले बाजी मार ले गए। सालों बाद कमल हासन की हे राम के जरिए उन्हें अपनी ख्वाहिश पूरा करने का मौका मिला। हे राम में नसीरुद्दीन ने गांधी के छोटे लेकिन महत्वपूर्ण रोल को पूरी संजीदगी से ऐसे निभाया कि यादगार बन गया। You know, Ram, I am willing to take all this communal hatred in the form of a bullet. If I am promised that along with that bullet, they will also bury this communal hatred and live together as one community. The making of Mahatma mein रजित कपूर ने गांधी के मोहनदास से महात्मा बनने के किरदार को बेहद सहजता से निभाया है। I will not leave this compartment. Where does it say reserved for your फिल्म में युवा गांधी के रूप में रजित कपूर को अभिनय करते देखकर एहसास होता है कि हम पर्दे पर किसी अभिनेता को नहीं बल्कि स्वयं गांधी को ही देख रहे हैं। पर्दे पर गांधी को साकार करने वालों में दिलीप प्रभावलकर का नाम भी उल्लेखनीय है। फिल्म लगे रहो मुन्ना भाई में दिलीप प्रभावलकर ने गांधी की भूमिका में गांधीवाद को गांधीगिरी के रास्ते पर उतारा। फिल्म में उनके सहजता से बोले गए संवाद और हमेशा मुस्कुराते चेहरे ने दर्शकों पर अद्भुत प्रभाव डाला और दिलीप गांधी के रोल में हिट हो गए। वो नौजवान के घर पे जाने का, उसको वहां से उठाने का, बापू के पुतले के सामने खड़ा करने का और एक और पत्थर देके उससे कहना चाहिए कि मेरा पूरा पुतला गिरा दो। उन अभिनेताओं में जिन्होंने महात्मा गांधी के चरित्र को पर्दे पर साकार किया है, सबसे बड़ा और सबसे मजबूत नाम किसी भारतीय अभिनेता का नहीं बल्कि हॉलीवुड स्टार बेन किंग्सले का है। फिल्म गांधी में बेन किंग्सले ने महात्मा गांधी के किरदार को बेहद खूबसूरती से पर्दे पर साकार किया था, इतना कि वे हूबहू गांधी लगते हैं।
आज भी सिनेमा में गांधी का जिक्र बेन किंग्सले के जिक्र के बगैर अधूरा है। रिचर्ड एटनबरो फिल्म गांधी। 100,000 Englishmen simply cannot control 350 million Indians if those Indians refuse to cooperate. The story of one man whose voice spoke out for millions. To gain independence, we must prove worthy of it. इनके अतिरिक्त सैम दस्तूर और नीरज कबी ने दो दो फिल्मों में, जबकि सुरेंद्र राजन ने तीन फिल्मों में गांधी की भूमिका निभाई है। सैम दस्तूर ने लॉर्ड माउंटबेटन, द लास्ट वायसराय और जिन्ना में तथा नीरज कबी ने द लास्ट वायसराय और संविधान में, जबकि सुरेंद्र राजन ने वीर सावरकर, द लीजेंड ऑफ भगत सिंह और गांधी द साइलेंट गन में गांधी के किरदार को रुपहले पर्दे पर साकार किया था। इनके अलावा कुछ और अभिनेताओं ने भी कई अन्य फीचर फिल्मों और डॉक्यूमेंट्रीज में गांधी के किरदार को निभाया है।